डीजीपी हिमाचल प्रदेश पुलिस SR मर्डी ने कहा कि कर्फ्यू में लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और आगे भी इस तरह सहयोग की वे उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में कुछ बातें सामने आई हैं जिसमें 31 मार्च के बाद दूसरे राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों को हिमाचल वापस लाने की बात सामने आ रही है। डीजीपी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि 31 मार्च के बाद हालात को देखते हुए सरकार ये निर्णय लेगी, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जिनके मुताबिक अब 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन रहेगा, इसलिए जो जहां पर है वो वहीं पर रहे। डीजीपी ने बताया कि 1 अप्रैल को अफवाहें फैलाने का दिन होता है, इसलिए उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वे इन अफवाहों का ध्यान ना दें, केवल सरकारी दिशा निर्देश का लोग पालन करें। डीजीपी ने पुलिस जवानों से भी लोगों के साथ विनम्रता के साथ पेश आने की बात दोहराई। हिमाचल वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में अब एक ही पॉजिटिव केस रहा है और जो शुरू से लेडी थी, एडमिटेड थी, कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि उसका भी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाएगी। कोई भी केस कम्युनिटी ट्रांसमिशन का नहीं हुआ है, इसका श्रेय हिमाचल वासियों को जाता है। सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। मैं दोबारा अनुरोध करता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, क्योंकि वायरस कभी चल नहीं सकता है, सिर्फ इंसान ही चल सकता है। अगर चलते वक्त अगर आप 1.5 मीटर या 2 मीटर का डिस्टेंस रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में वायरस आने की संभावना नहीं होगी। और एक मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, कुछ मीडिया में आया है कि डीजीपी साहब ने कहा है कि 31 मार्च के बाद जो हिमाचली हिमाचल से बाहर राज्य में है उनको वापस लाया जाएगा। मैंने कहा था 31 मार्च के बाद इसके बारे में विचार किया जाएगा, मेरा वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, भारत सरकार ने कड़ी आदेश दिया कि जो जहां है वहीं रहेंगे। अगर माइग्रेंट लेबरर्स का मूवमेंट या जो सिटीजन्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होगा, एक राज्य से दूसरी राज्य में होगा, तो डिप्टी कमिश्नर और SPs को व्यक्तिगत तौर पर रेस्पॉन्सिबल किया जाएगा। इसलिए यह संभव नहीं है, अब यह कानून है, भारत सरकार का कानून है, लागू किया हुआ कानून है, पूरे देश में लागू है। इसलिए 14 अप्रैल तक जो जहां पे है वहीं रहना पड़ेगा। और जिनको अर्जेंट सिचुएशन है, किसी की डेथ हुआ या किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, वे डिप्टी कमिश्नर से परमिशन ले सकते हैं। ये दूसरे राज्यों में वैलिड है। जो दूसरे राज्य के जो DM परमिट देते हैं वो हिमाचल में भी लागू रहेगा। इसलिए ऐसा स्थिति में आप जो कर्फ्यू पास लेके परमिशन लेके जा सकते हैं। और सरकार ने मेडिसिन्स को भी अब होम डिलीवरी शुरू किया है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। हम एग्रीकल्चर का जो मटेरियल है और फॉडर है इसको भी बॉर्डर से अलाउ कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो नजदीकी SPs को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पुलिस वालों के लिए एक बात और दोबारा कहना चाहता हूं, ये एक एपिडेमिक इमरजेंसी है देश में। जो 144 जो कर्फ्यू ऑर्डर्स है ये सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए है, इसमें कोई भी मुलजिम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इमरजेंसी में आप सोच सकते हैं कि कोई मिसक्रिएंट्स या ऑफेंडर्स घूम सकते हैं, ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, यहां पे कोई भी मुलजिम नहीं है, ये एक एपिडेमिक इमरजेंसी है। इसलिए सबके साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करना है। और जो क्वारंटाइन में रहे हैं, अब इस वक्त स्टेट में 1800 लोग जो है क्वारंटाइन में हैं, अगर क्वारंटाइन जंप करेंगे तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे। हमने 250 FIR और 300 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्वारंटाइन में रहे वो डिटेंशन में नहीं है, वो सिर्फ क्वारंटाइन में इसलिए है कि ये डिसीज स्प्रेड ना हो। कल आप और मैं भी क्वारंटाइन में रह सकते हैं, ब्रिटेन और कनाडा के प्रधानमंत्री भी क्वारंटाइन में रहे हैं। इसलिए क्वारंटाइन में जो रहते हैं उनके साथ भी आप नम्रता से व्यवहार करना जरूरी है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि तरह तरह के रूमर्स आजकल फैल रहे हैं,
इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड किया गया है। तो कल अप्रैल फूल का डे है, 1 अप्रैल। अप्रैल फूल के इस अवसर पर बहुत सारे जो रूमर्स लोग फैला सकते हैं और इसमें पैनिक क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि पैनिक ना हो। हम ऑफिशियल जो वीडियो रिलीज करेंगे, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको देंगे, उस पर ही विश्वास करें।